ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। विनय जी से अभी तक हमने उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सवाल किए, लेकिन अब उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम उनसे सवाल करने जा रहे हैं। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्कूल टाइम में जाना चाहूंगा आपको। जब आप स्कूल में थे, जब छोटे से बच्चे हुआ करते थे, तो कितने शरारती थे आप? शरारती तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा जोली, बट लेटर ऑन स्टेज आफ्टर यू कैन से अप टू फोर्थ फिफ्थ आई वॉज क्वाइट जोली काइंड ऑफ पर्सन, बट आफ्टर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एज टाइम गोज ऑन आई बिकम वेरी साइबर। बहुत शर्मिला लड़का हुआ करता था अपनी लाइफ में, बहुत कम बातें करना, बस काम से काम रखना, उतनी ही बातें, बहुत लिमिटेशंस मैंने बना रखी थी। जी अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे? स्पोर्ट्स में मैं रुचि बेशक रखता था, मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूं और खास तौर पे वॉलीबॉल। ड्यू टू माय गुड हाइट आई वाज द प्लेयर फॉर वॉलीबॉल एंड आई प्लेड वॉलीबॉल एट माय कॉलेज लेवल आल्सो, नॉट ऑन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट एट कॉलेज लेवल आई प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल आल्सो। ये सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि विनय जी की जो एज है वो सिर्फ 24 साल है। विनय जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस लाइफ में, इतनी उम्र में आपने जिंदगी से क्या सीखा? जिंदगी से मैंने जीतना सीखा और जीना सीखा, कभी हारना नहीं सीखा, कभी फेलियर मैंने नहीं सीखा कि मुझे फेल होना है, मुझे सिर्फ जीतना है, आई हैव टू विन। सो उसी डेडिकेशन के साथ कि मुझे अपने काम के प्रति जी नहीं चुराना है, अगर काम के से अगर जी चुराऊंगा तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। तो एक डेडिकेशन, एक सेल्फ बिलीव था कि भाई जीतना है मुझे, सो आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैंने जी 24 साल की उम्र में कामयाबी तक पहुंचना, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी कामयाबी का? देखिए, मैं इससे पहली बात तो वो कामयाबी नहीं कहूंगा जो मैं पाना चाहता हूं, कि मैं इसे एंड नहीं कहूंगा, ये तो एक शुरुआत है, आई एम ऑन अ फर्स्ट स्टेप बेसिकली टुवर्ड्स माई टारगेट, बट आई एम अबव द ग्राउंड नाउ टू रीच दैट टारगेट। और इस पूरी कामयाबी का श्रेय मैं देना चाहूंगा अपने अंकल मिस्टर अशोक कुमार जी को, जो कि मेरे रियल लाइफ गुरु हैं, मेरे रियल लाइफ गाइड हैं। आई हैव टू मेंशन बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फाउंड हिम विद मी एज एंड व्हेन आई नीड इट, जब भी मुझे उनकी जरूरत लगी वो मेरे साथ ही थे। तो एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा मोमेंट जब आप दुखी हो, जब आपको लगा हो कि नहीं हाँ ये चीज जो हुई है ये गलत हुई है, कोई ऐसा क्षण? देखो, मैं दुखी क्षण को याद नहीं करता हूं कभी, आप इसे खासियत कहें, आप उसे मेरी गलती कहें, कि मैं उन्हें याद नहीं करता हूं। देखो, गलतियों से सीख लेनी चाहिए, जब कोई गलती होती है उसे उसी वक्त रियलाइज हो जाता है कि ठीक है मैंने गलती की है, बट आगे गलती नहीं करनी है, उसके लिए मैं प्लानिंग स्टार्ट करता हूं। तो अब मैं कि दुखी पल ये था, ये मैंने गलत किया, उसको भूल जाऊं, बट आई हैव टू डू नाउ, आई मस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट पार्ट दिस वीक। अच्छा, दुख की बात तो चलो आप याद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सुख की बात करें तो खुशी कब हुई थी आपको सबसे ज्यादा, जो आपको लगा कि उस पल आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई, वो पल कौन सा था? वो पल बेसिकली आप कह सकते हैं सबसे खुशी का मोमेंट मेरे लिए था जब मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था और जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आए थे। इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद कितना समय दे पाते हैं आप घर वालों को? मैं कोशिश पूरी करता हूं कि उनको पूरा टाइम दूं, फिर भी आप कहें तो मैं नॉर्मली 2-3 घंटा उनके साथ बिताता हूं, वाइल माई डाइनिंग, वाइल इन अ मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक। जी आपने इसमें भी कहीं ना कहीं बिजनेस में शामिल कर लिया नेट के थ्रू, लेकिन अगर उनको बिल्कुल खाली, मतलब अगर 2 दिन आपको छुट्टी दे दी जाए, छुट्टी मिल जाए आपको 2 दिन की, और आपसे कहा जाए कि आप जो करना चाहते हैं फ्री माइंड होकर करिए, तब क्या करना चाहेंगे? तब मैं कहीं जाना चाहूंगा आउट स्टेशन, लाइक सम सी प्लेस लाइक गोवा विल बी माई डेस्टिनेशन, देन आई विल बी स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर बीच पे,
संभली एरिया, आई वुड लाइक टू गो। 24 साल की उम्र में यहाँ तक पहुँचना, कई लोग युवा लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको सबसे पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा कि डेडिकेशन इज मस्ट, वट एवर यू डू, वेदर यू गो फॉर योर स्टडी, वेदर यू डू योर स्टडी, आप चाहे स्टडी करें या फिर आप कोई नौकरी करें, कुछ भी करें, डेडिकेशन, दिल लगा के मन लगा के काम करें। सेकंड, सेल्फ बिलीव इज रिक्वायर्ड। अगर आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर कि आपको पता है कि मुझे ये करना है और आपको पता मैं नहीं कर सकता, अगर आपके अंदर पहले से ये फीलिंग आएगी तो वो काम कभी नहीं होगा। अगर आपको पता है, आप सोचेंगे कि मैं कोई ये काम कर सकता हूं और वो बिलीव जो है वो कमिटेड है कि भाई मैंने ये करना है, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू डू दैट। सो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर वर्क विद डेडिकेशन। तो ये थे विनय गर्ग जी, जिनके साथ तय किया आज हमने उनकी कामयाबी का सफर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और कामयाब हस्ती के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।